नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 2020 के इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हु हैज आईबीएम अपॉइंटेड एज इट्स सीईओ? आईबीएम ने अपना सीईओ किसे नियुक्त किया है? सीईओ की जो फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिर से बोलता हूँ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और इसका जो सही आंसर है यह है अरविंद कृष्णा। इनको अभी हाल ही में आईबीएम का यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का सीईओ नियुक्त किया गया है। और जो सुंदर पिचाई है ये है अल्फाबेट के सीईओ, अल्फाबेट जो कि एक गूगल की पेरेंट कंपनी है। सत्य नाडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। अजय बंगा इनका जो ये है मास्टर कार्ड के सीईओ, याद रखिएगा अजय बंगा मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। और आईबीएम, इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। आईबीएम जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी जो स्थापना की गई थी ये 1911 में की गई थी, और इसका जो निकनेम है वो है बिग ब्लू। ये एक एग्जाम में पूछा गया था, गवर्नमेंट एग्जाम में बिग ब्लू जो आईबीएम का निकनेम है, तो ऐसे पूछा गया था आईबीएम का निकनेम क्या है, बिग ब्लू। और इसका जो फुल फॉर्म है ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन फुटबॉलर टू ज्वाइन अ फॉरेन फुटबॉल क्लब? याद रखिएगा इसका आंसर है बाला देवी। अभी हाल ही में फर्स्ट इंडियन वुमेन फुटबॉलर जिन्होंने फॉरेन फुटबॉल क्लब को ज्वाइन किया है, तो इनका आंसर है बाला देवी। ये मणिपुर से हैं। और एक नाम और याद रखेगा, ओनम बेमम देवी, इन्हें भी हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये भी फर्स्ट इंडियन वुमेन फुटबॉलर है जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, याद रखेगा। और अजय बंगा ये भी पिछले क्वेश्चन में देखा था, ये मास्टर कार्ड के सीईओ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has been announced this year Kalpana Chawla Excellence Award? एक सेकंड मिटा देता हूँ। हाँ, Who has been announced this year Kalpana Chawla Excellence Award? इसका जो सही आंसर है ये है दिलराज प्रीत कौर। ये उत्तराखंड की योग ब्रांड एम्बेसडर है। फिर से बोलता हूँ, ये उत्तराखंड की योग ब्रांड एम्बेसडर है। और रानी रामपाल ये इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन है। पवन सुखदेव, इनका नाम भी सुर्खियों में था, इन्होंने 2020 के टेलर प्राइज को जीता था, और किसमें, फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट, और ये एनवायरमेंट का नोबल प्राइज भी इसे बोला जाता है, टेलर प्राइज 2020 को इन्होंने जीता था। संजना कपूर जो शशि कपूर की बेटी हैं, इन्हें फ्रांस सरकार के द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया था। फिर से बोलता हूँ, फ्रांस सरकार के द्वारा संजना कपूर को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडिया एम्बेसडर टू नेपाल? तो इसका जो सही आंसर है यह है विनय मोहन कुत्रा। इन्हें भी हाल ही में नेपाल में इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है, और यह तरनजीत सिंह संधु, इन्हें यूएसए में इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। और यह एम इमरान, मोहम्मद इमरान, जिन्हें बांग्लादेश में हाई कमीशन नियुक्त किया गया था। और यह सी सुगंध राजन जिन्हें घना में हाई कमीशन नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा मोहम्मद इमरान और सी सुगंध राजन को बांग्लादेश में और घना में हाई कमीशन नियुक्त किया गया था। तरनजीत सिंह सिंधु को यूएसए में एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, और विनय मोहन कुत्रा को नेपाल में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु विल बी अवॉर्डेड द पेन गौरी लंकेश सम्मान ऑफ 2019-20? फिर से बोलता हूँ, Who will be awarded the Pan Gauri Lankesh Samman of 2019-20? इसका जो सही आंसर है यह है यूसुफ जमील। ये जम्मू कश्मीर से हैं, वहां के पत्रकार हैं, जिन्हें अभी ये अवार्ड दिया गया है। और देखो ये जो अवार्ड है ये फर्स्ट टाइम 2018 में दिया गया था। फर्स्ट टाइम में किसे दिया गया था? उनका नाम था कार्टूनिस्ट पी मोहम्मद को 2018 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और एक अवार्ड और होता है इसी के कंपेयर में, मतलब इसी का अल्टरनेटिव होता है गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड, जिसे 2018 में सबसे पहले ये जो है रविश कुमार एनडीटीवी के पत्रकार, इन्हें दिया गया था, याद रखिएगा नाम है गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड 2019 में ये रविश कुमार को दिया गया था। और रानी रामपाल आप जानते ही हैं, इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन है ये। और अभी जो PEN गौरी लंकेश सम्मान ऑफ 2019-20 किसे दिया गया है? यूसुफ जमील, जो जम्मू कश्मीर के पत्रकार हैं, और ये गौरी लंकेश के याद के रूप में मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज द वर्ल्ड
नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। याद रखिएगा ये जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे सेलिब्रेट किया गया है, और इसकी डेट थी 30 जनवरी 2020। फिर से बोलता हूँ, 30 जनवरी 2020 को वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन क्या होता है, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना ट्रॉपिकल डिजीज के बारे में, कि उनसे कैसे बचा जाए और उन्हें कैसे एलिमिनेट किया जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन वाज मेड द चीफ एनवॉय ऑफ यूएन इन थाईलैंड। थाईलैंड में किस इंडियन को यूएन का चीफ एनवॉय यानी प्रमुख दूत नियुक्त किया गया है? आंसर है गीता सभरवाल। गीता सभरवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। और इन्हीं से मिलता हुआ एक नाम है गीता गोपीनाथ, जो फर्स्ट फीमेल थी चीफ इकोनॉमिस्ट जिन्हें नियुक्त किया गया था IMF में, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में। और अनुशुला कांत, ये फर्स्ट फीमेल है किसकी, वर्ल्ड बैंक की, जो CFO और MD जिन्हें बनाया गया था वर्ल्ड बैंक की। HK जोशी, ये फर्स्ट फीमेल है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की CMD इन्हें नियुक्त किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और दूसरे करंट अफेयर देखेंगे। थैंक यू।